हेलो फ्रेंड्स, रत्ला मिठाई के में आपका वेलकम है। फ्रेंड्स, आज मैं बच्चों के लिए बहुत ही स्पेशल अल्टीमेट और क्लासिक रेसिपी लेकर आई हूँ। ये घर के ही सामान से बन जाती है, तो इसका नाम है क्रिस्पी क्रंची पोटैटो बाइट्स। ऊपर से ये क्रिस्पी होते हैं और अंदर से एकदम सॉफ्ट, जो बच्चों को बहुत ही पसंद आएंगे। ये मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, जिन्हें मैंने उबालकर और इसके छिलके निकाल लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो आलू है इसे हम ग्रेटर से कद्दूकस कर लेंगे। इस तरह से आप आलू को कद्दूकस कर लें। ये देखिए, मैंने तीनों आलू को कद्दूकस कर लिया है। अब इसमें 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप इसकी जगह अरारोट और मैदा भी डाल सकते हैं। 3 चम्मच चावल का आटा डालेंगे। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं। फ्लेवर के लिए इसमें काली मिर्च पाउडर डालेंगे 1/2 चम्मच। टेस्ट के अनुसार नमक डालेंगे, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1/2 चम्मच ऑर्गेनो। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये मैं आपको सिंपल तरीके से बनाना बता रही हूँ। आप कभी भी किसी भी टाइम पर इसे तुरंत बनाकर और सर्व कर सकते हैं। अगर आप चीज़ पसंद करते हैं तो आप इसमें चीज़ ज़रूर डालें, क्योंकि चीज़ का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। मैं आज आपको सिंपल तरीके से बता रही हूँ, इसलिए मैंने इसमें चीज़ नहीं डाला है। अगर आप इसमें चीज़ डाल रहे हैं तो 2 बड़े चम्मच कद्दूकस करके चीज़ डालें इसमें। अब इसे हम हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, मैंने इसका डो बना लिया है। इसमें से हम थोड़ा थोड़ा करके लेंगे, एक एक बाइट लेंगे। तो इस तरह से आप इसे किसी भी शेप में बना सकते हैं, जैसा आप चाहें। आप इसे इस तरह से गोल भी बना सकते हैं और आप इसे हल्का सा लंबा शेप दे सकते हैं। तो मैं इसे थोड़ा सा लंबा शेप दूंगी, तो इस तरीके से हम हाथ पर इसे कर लेंगे और हल्का सा लंबा शेप देंगे इसे। ये देखिए, इस तरह से हम सभी बाइट्स बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, मैंने सभी बाइट्स बनाकर तैयार कर ली है। और अगर आप बाइट्स में चीज़ डाल रहे हैं तो आप 1/2 घंटे के लिए इसे फ्रीज में सेट होने के लिए रख दें, ताकि जब आप इसे फ्राई करें तो चीज़ तेल में बिखरे नहीं। और आप इस तरह से पहले से ही सभी बाइट्स बनाकर तैयार कर लें, ताकि जब आपकी इच्छा हो तब आप इसे फ्राई कर सकते हैं। तेल को मैंने मीडियम गर्म करा है और इसमें मैं सभी बाइट्स डाल दूँगी, मतलब जितने इसमें आएंगे उतने बाइट्स इसमें डाल देंगे। 5 मिनट तक हम इसे मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे, ताकि ये अच्छी तरह से अंदर तक पक जाए। और आपको इसमें चम्मच बिल्कुल भी नहीं लगाना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। अगर आप चम्मच इसमें लगाएंगे तो ये बिखर जाएंगे। तो जब तक इसमें पतली सी कोटिंग ना हो जाए तब तक आपको इसमें चम्मच नहीं लगाना है। ये देखिए, सभी बाइट्स ऊपर आ गए हैं और इसमें हल्की सी कोटिंग भी हो गई है। तो अब हम इसे थोड़ी थोड़ी देर में चम्मच से इस तरह से हिलाते रहेंगे। अब हम गैस की फ्लेम तेज कर देंगे और इसका गोल्डन कलर आने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, बाइट्स का बहुत अच्छा कलर आया है, गोल्डन कलर। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है। और बाकी जो बाइट्स हैं उसे भी बनाकर हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे।
ये देखिए इसकी कितनी अच्छी आवाज आ रही है और बिल्कुल कुरकुरे बने हैं। ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं। ये देखिए बिल्कुल अंदर से सॉफ्ट है और ऊपर से क्रिस्पी। पोटैटो बाइट्स को आप सॉस के साथ सर्व करें। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।